ये सारी गलती जो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। राम राम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका भाई, अपना भाई, योगा टीचर रवि भारद्वाज। दोस्तों अच्छा, ये मैं मास्क तो निकालना भूल ही गया, पहले ये निकाल देता हूँ। लड़कियां तो लगाती हैं, आज पहली बार उसने मेरे फेस पे चिपका दिया और नाक के ऊपर भी चिपकाया। बोला कि स्किन आपकी बहुत ड्राई हो रही है, तो आप ये लगाओ, थोड़ा और हैंडसम हो जाओगे, गोरे हो जाओगे। मैं कहा यार भाई, ऐसा तो हुई, अब इससे ज्यादा और कितना गोरा करोगे मुझे। तो चलो जी, इसका तो काम हो गया। अभी मैं दिखाता हूँ, योगिता वहाँ पे कुछ बना रही है, कह रही कि वीडियो में अगर शूट करना तो कर लो। मैं कहा ठीक है भैया। मैंने योगिता को कहा, मैंने कहा क्या बना रही हूँ? बोला कुछ स्पेशल बना रही हूँ। मैंने कहा कुछ नई रेसिपी है? बोला हाँ। तो मैंने कहा मेरे व्यूअर्स तो हमेशा बोलते हैं, मेरे यूट्यूब परिवार की फैमिली हमेशा बोलती है कि कुछ नया रेसिपी दिखाओ चाइनीज फूड का। मैंने कहा चलो आज दिखाते हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। आटा इसने रेडी किया है गूंथ के, आज कुछ स्पेशल एकदम से दिखाने वाली है नई डिश। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिश योगिता? ख्वाच्वार। ओके, ख्वाच्वार इस डिश का नाम है। और ओके, तो ये जो मसाले है भाई, ये मसाले योसु है, ये नमकीन है, ठीक है। तो ये जो मसाले हैं, इस मसाले को कैसे बनाते हैं नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। इजी है, घर पे बन जाता है। ओके ओके ओके, तो इसको थोड़ा सा ये तेल लगाना पड़ता है ताकि इजीली इसको ना बड़ा एक रोटी का शेप देना है आपने सबसे पहले। तो अमन नीचे आओ बेटा, गिर जाओगे, इतने दूर से दम हो जाएगा। नीचे उतरो। ये भी रोटी बना रहा है, देखो भाई, ये अपने कार के नीचे रख के ना ऐसे बेल रहा है रोटी को। आ जाओ मेरे पास, और है, आ जाओ मेरे पास, मैं देता हूँ। आ जाओ, ठीक जाओ, आ जाओ, मैं देता हूँ आपको, मेरे पास है एक और है बेलन, वो दे देता हूँ इसको। ये लो, ये वाला ले लो। हाँ जी, ये अमन का, ये मम्मा का। योगिता का कहना है भैया, ये जो रोटी है ना, पहले इसको मतलब लंबी रोटी बनाओ बिल्कुल पतली वाली, और उसके अंदर ये वाला मसाला डाल दो। ये मसाला किस चीज से बना पूछ के बता दो। तो इसके अंदर योगिता का कहना है, इसके अंदर थोड़ा नमक है और थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा इसके अंदर कुछ मसाला इसने डाला हुआ है, अभी वो नेक्स्ट टाइम बताएंगे। यार वैसे तो ये मसाला जो है ना, यही सबसे मेन है, बट उस टाइम पे मैं कुछ काम कर रहा था तो मैं दिखा नहीं पाया, सॉरी उसके लिए। बट ये प्रोसेस ही देख लो आप कि कैसे बनता है। तो कुछ इस तरह से चम्मच लेके आपने इस मसाले को पूरा इस रोटी के अंदर लगा देना है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पता चले ये चीज कैसे बनती है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो आजकल हम लोग घर पे हैं तो बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। और उसके बाद इसको देखिए इस तरह से रोल करना है, और पूरा का पूरा रोल करना है ये मसाला अंदर डालने के बाद। अब यहाँ से शुरू होती है ये कटिंग। ये बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी होता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। हाँ ओके, अच्छा दो एक साथ बनाने के बाद जो उसको आपने चॉपस्टिक के साथ ऐसे दबाना है और उसको जो बंद कर देना, उसका जो सिरा है देखो खुला होता है ना यहाँ से, तो इसको शायद बंद करना पड़ता है। ओके, तो ऐसा देखने में वाह, इसमें देखने में अच्छा लगता है। ख्वाच्वार, इसको बोलते हैं ख्वाच्वार। काफी अच्छे बन रहे हैं, एक एक करके इसने तीन बना दिए हैं। और इसके बाद इसको पकाना है, पकाने का क्या प्रोसेस है दोस्तों, वो सबसे मेन रहेगा। आप भी बनाओ रोटी, बनाओ जल्दी, बनाओ रोटी। तो यहाँ पे ये ख्वाच्वार जो रेडी हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 ख्वाच्वार रेडी हो चुके हैं। अभी और भी मटेरियल हमारे पास बाकी है, पता नहीं योगिता इसका कौन सा बनाने वाली है। अच्छा, इसने एक मेरे हिसाब से नमकीन वाला बनाया है और दूसरा जो है ये वाला जो है स्वीट वाला है, मीठा वाला शिशिर किया है ना। हाँ अच्छा, तो इसने आधा बचा लिया क्योंकि मुझे जो है मीठा वाला पसंद है, इसलिए उसने मीठा वाला अलग कर लिया है। और ये जो है नमकीन वाले हैं, इसने कल परसों ये भी बनाया था, ये देखो मैदे से काफ़ी अच्छा बना है यार, मैदे के बनाया ना। इसका प्रोसेस भी किसी दिन रेसिपी हम पूरी आपको बताएंगे, ठीक है, बड़ा मस्त बनता है। ओ भगवान, ये देखो इसने स्वीट पोटैटो, किस किस ने खाया भाई स्वीट पोटैटो, मीठे आलू, कमेंट में लिख के बताना। यहाँ पे कुछ प्रोसेस होने वाला है, तो यहाँ पे तो
व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप योगिता, व्हाट इज ये? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले सबसे पहले जो है यहाँ पे ये बर्तन रखा है, उसके अंदर पानी रखा है और पानी के ऊपर ये बर्तन रखा है जिसके अंदर ये छेद है और उसके ऊपर ये कपड़ा रहता है, बिल्कुल जाली वाली कपड़ा रहता है, बिल्कुल धो के साफ करके इसको रखना है। और ये जो ख्वाचवाड़ है, मैं दिखाता हूँ आपको, सारे ख्वाचवाड़ को एक एक करके आपने इसके अंदर रखना है और स्टीम से इसको पकाना है। अभी आपको देखने को सारा ये प्रोसेस मिल जाएगा, आराम से देखते रहिए वीडियो को और आप घर पे भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने गैस को जला लिया है और 20 मिनट के अंदर ये पक्के तैयार हो जाएंगे और बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं भाई, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। मुझे पता है, याद आ गया मुझे इस चीज का, मैंने खाया हुआ है ये पहले। आपकी भाभी योगिता का कहना है अगर आप साइज छोटा रखते हो ना तो 20 मिनट काफी है इसको पकाने के लिए, अगर साइज बड़ा रखा है तो फिर आपको 30 मिनट तक लग सकते हैं पकने के लिए। सो नेक्स्ट वाला जो है उसका भी देख लीजिए आप प्रोसेस। ये जो है मीठा वाला है, इसका मसाला बता देता हूँ। इसके अंदर जो शक्कर होती है ना, शक्कर गुड़ होता है शक्कर, वो है और उसको जो है थोड़ा सा तेल डाल के पिघला दिया है। तो अब बनेंगे मीठे वाले ख्वाचवाड़। तो ये जो मसाला है आपको पता है इसमें क्या है, ये मीठा शक्कर है, होंग थांग, चाइनीज में इसको बोलते हैं होंग थांग, मीठी शक्कर को। तो सबसे पहले फिर वही वाला प्रोसेस है, लंबी सी एक रोटी बना लेनी है, लंबी चौड़ी करके बिल्कुल पतला करके बनाना है, जितनी पतली बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। ऐसे जब ये बनाते हैं ना तो ऐसे बनाते हुए बहुत, मतलब ऐसा लगता है देखने में अजीब सा ना, बट खाने में बहुत अच्छा रहता है यार। शायद आपको देखने में भी आपको भी लग रहा होगा कि क्या यार बना रहे हैं ये। अमन आप क्या कर रहे हो? बनाओ रोटी बनाओ। हाँ जी, ओ अमन ने यहाँ क्या बनाया, तो को बोलता है पैर। शक्कर के अंदर बड़े बड़े ढेले थे मोटे मोटे, तो वो अभी तक वैसे ही है, तो थोड़ा लगाने में दिक्कत हो रही है, बट कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। आज बहुत ज्यादा मतलब योगिता का भी मूड है कि पता नहीं आज क्या क्या अपने पति को खिलाना है घर पे बना के। इसको भी गोल गोल करके घुमाना है, रोल करना है सबसे पहले। तो ये वाली रेसिपी कैसी लगी आपको वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना और घर पे पहले बनाओ, खाओ, एंजॉय करो और बताओ भाई कि कैसा बना। चोर मत करो, आप उधर खेलो, अमन 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 आ जाओ मैट के ऊपर खेलो, इधर आओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आज देखो भाई घर पे पूरी सफाई कर दी हमने सुबह सुबह, है ना, रोज सफाई कर देते हैं, थोड़ी देर बाद ये अपना सारा सामान इधर से लेके यहाँ पे उल्टा देता है। तो चलो जी, चलो फिर से वही प्रोसेस, मीठा वाला जो मसाला है वो फिक्स कर दिया हमने अंदर और उसी तरह से चॉपस्टिक से पहले इसको चाकू से काटा जाएगा, दो दो पीस ऐसे रख के, ये देखो इसको फ्लावर की तरह बना दिया, बिल्कुल सेंटर में रखना है चॉपस्टिक को। हाँ, योगिता का कहना है बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना, नहीं तो ये तो बीच से कट जाएगा चॉपस्टिक से, वो आटे से बना हुआ है ना। तो अभी अभी ये वाला मुझे और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, मीठा वाला मेरा फेवरेट है। देखते रहिए दोस्तों और इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करना, जब बन जाएगा बनाने के बाद आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और दोस्तों क्या आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है, अगर पसंद है तो कमेंट में लिख के जरूर बताना। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा आपकी योगिता भाभी से कि ताकि ये हमारे वीडियोस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इस तरह की रेसिपी सीखने को मिली। और ओके ओके दोस्तों ये देखो इसका प्रोसेस, यहाँ पे भी हमारे पास सेम बर्तन है लेकिन हमने आग नहीं जलाई है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बर्तन है, इसके ऊपर भी हमने वही वाली लोहे की जाली रखी है, उसके ऊपर ये पतला वाला कपड़ा रखा है और ये जो हमने रेडी किया है उसके ऊपर रख दिया है, ठीक है, और ढक्कन बंद कर दिया है। 10 मिनट तक इसको ऐसे ही रखना है, गैस नहीं जलानी, 10 मिनट के बाद गैस को जलाना है, जलाने के बाद 20 मिनट तक आपको ऐसे छोड़ देना है, तो उसके बाद ये जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों जो ख्वाचवाड़ बनाया है वो बन के रेडी हो चुका है, एकदम से रेडी। उसका टेस्ट कैसा है भाई, खा के अभी बताता हूँ। तो ये देखो जी यहाँ पे बैठी है हमारी मैडम जी और यहाँ पे बना रखी है इसने ये ख्वाचवाड़, बन के ऐसे रेडी हो गए, बड़े हो गए देखो साइज, और ये कर रही है बात यहाँ पे अपने घर पे छोटे बच्चे से, अपनी बहन के बेटी से, और हम खाएंगे अभी ये ख्वाचवाड़ और यहाँ पे मजा आएगा। ये अमन की छोटी बहन, बड़ी बहन है अमन की, यहाँ पे अमन से बात कर रही है और योगिता यहाँ पे बैठ के ये खिला भी रही है खाना। हाँ अमन हाय बोलो दीदी को,
दीदी को हाय बोलो, हाय मुंह में डाला हुआ है भर भर के, कहाँ हाय बोल देगा, मंकी जैसा ओए इधर लग जाएगी मुंह में। अमन की दीदी का फोन आया है। अब मैं भी एक बार खा के देखता हूँ कि टेस्ट कैसा है इसका। आई होप बहुत अच्छा बना होगा। अरे ये वाला नमकीन वाला है, ये भी काफी अच्छा है, फर्स्ट टाइम ट्राई करो, बट है अच्छा। वो मीठा वाला है ना, वो ज्यादा अच्छा बनता है, वो सॉफ्ट है भाई, देखो बिल्कुल रुई की तरह हो जाता है, मजा आता है, मजा आता है। आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय हिंद।